नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नकली पुलिस बनकर व्यापारी से लूट, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। एक के बाद एक चार लूट को अंजाम दे चुके हैं नकली पुलिस वाले। जी हां, सेवा सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली हरियाणा पुलिस पर नकली पुलिस भारी पड़ी। वहीं पूरे पानीपत में नकली पुलिस वालों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर के बदमाश पुलिस वाले बनकर आराम से निकल जाते हैं। ताज़ा घटना अमर भवन चौक के पास की है। यहाँ पर चार मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने आगरा में रहने वाले व्यापारी को निशाना बनाया। बदमाशों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस जांच के नाम पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पानीपत के इसी इलाके में चौथी घटना बताई जा रही है, जहाँ पर आगरा से लक्ष्मीकांत नाम का एक व्यापारी अपने बेटे के साथ आगरा से पानीपत में हैंडलूम के प्रोजेक्ट को खरीदने आए थे। मधु टेक्सटाइल पर दोनों बाप बेटे बैठे थे। इतने में मोटरसाइकिल सवार युवक ने व्यापारी के बेटे सौरभ को अपने पास बुलाया और तलाशी देने की बात कही, और बदमाशों ने उसकी सारी जेबें छान मारी। बाद में सौरभ के पिता लक्ष्मीकांत के बैग की तलाशी ली गई और उसी के बहाने से करीब 70,000 पर हाथ साफ कर दिया। लक्ष्मीकांत का कहना है कि युवक अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे थे। वहीं पैसे निकालने के बाद नकली पुलिसकर्मियों ने पीछे मुड़कर न देखने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद में कुछ दूर चलने के बाद जब बाप बेटे ने बैग को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बैग में से पैसे सारे गायब थे। जब व्यापारी का बेटा बदमाशों के पीछे भागा तो उनमें से उतनी समय में वो निकल चुके थे। ऐसे में कोई और बाहर से व्यापारी पानीपत में आकर के कैसे काम करेगा और ख़रीदारी भी कैसे करेगा, हादसे की जानकारी पुलिस को लग चुकी थी। लेकिन पुलिस वाले इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। हादसे एक के बाद एक से जारी हैं, लेकिन पुलिस मौन है। इस तरह की घटनाएं पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। हम पुलिस वाले हैं और आपको तलाशी, यहाँ कई मतलब कांड हो गए हैं और आपको पैसे, आपको जो है आप तलाशी दो, मेरी बैग की तलाशी ली है कि अब जेब की, क्या आप चरस तो नहीं पीते हो, दिखाओ। मेरा मुंह यूँ कर दिया, चरस तो पीते, सारे पैसे में निकाल के सब बैग में डाल दे। बैग की इस तरह से गिट्ठान बांध दिया उन्होंने यूँ करके और हमसे बोले कि आप सीधे सीधे जाना, मतलब बैग की गांठ बांध दी है यूँ करके और हमसे कहिए आप सीधे जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, उन्हें अभी थाने ले जाएंगे हम आपको, यूँ करके हम लोग बैग टांग के ऐसे चले गए हैं। तो हमने आगे जाके देखा, मेरे बैग में पैसे डाले थे, इसने बैग में पैसे कहाँ हैं, तो पैसे देखे तो हम जो बच्चा मेरा भागा है उनके पीछे, अब वो पता नहीं किधर निकल गए। अब जो वो व्यक्ति था पुलिस की वर्दी में था, ऐसा था, वो ड्रेस सुन लीजिए, नीचे पैंट खाकी पहने हुआ था और ऊपर वैसे ही था जैसे कोई सिविल वर्दी में हो, और खूब बड़े ब्लैक चश्मे लगे हुए दोनों। आप लोग कहाँ से हो? हम आगरा के हैं सर। हमारी चेकिंग करने लगा, हमारे सारे पैसे हमारे बैग में ना से लगवा के हमारे सारे पैसे हमारे बैग में रखवा लिए। मेरे से दूर जाके नाम पता लिखवाने लग गया, पिताजी से पूछताछ करने लग गया, उसने बैग में गांठ बांध के और हमें आगे भेज दिया नौकर के, आगे जाओ और इधर पीछे मत देखना। तो इस दिन हम आगे गए और बैग खोल के देखा तो पैसे गए और वो भाग गए गाड़ी पे। कितने व्यक्ति थे? चार व्यक्ति थे, दो भाई थे।